बड़ी खबर सामने आ गई है, सीधे बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। राहुल मक्कर का जेजेपी से इस्तीफा, देखिए बड़ी जानकारी, जेजेपी को एक और झटका लगा है। 2019 में हांसी से जेजेपी उम्मीदवार थे राहुल मक्कर, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर उस वक्त की आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव से पहले कई नेता जेजेपी छोड़ चुके हैं और एक और झटका जेजेपी के लिए। ये जो पार्टी छोड़ने का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, और ये सिलसिला कब तक चलेगा ये कह पाना भी मुश्किल है, क्योंकि एक और झटका जननायक जनता पार्टी को लगा है। राहुल मक्कर ने इस्तीफा दे दिया है, पार्टी छोड़ दी है लोकसभा चुनाव से पहले। कई नेता जिस तरह से जेजेपी छोड़ रहे हैं वो मुश्किलें पैदा कर रहा है पार्टी के लिए। राहुल मक्कर का जेजेपी से इस्तीफा सामने आया है, ये बड़ी खबर सामने आई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए विशेष संवाददाता रवि कालीरमन जुड़ गए हैं। रवि, एक और झटका जेजेपी के लिए। बिल्कुल सृष्टि, देखिए जननायक जनता पार्टी के हांसी हल्का प्रधान राहुल मक्कड़ ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। उनकी तरफ से इस्तीफा जो है वो भेज दिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि अजय सिंह चौटाला को उनकी तरफ से लिखित तौर पर ये इस्तीफा भेजा गया है। निजी कारण जो है इस्तीफे में बताए गए हैं पार्टी छोड़ने के लिए। और 2019 में हांसी विधानसभा से जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी राहुल मक्कड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका जननायक जनता पार्टी के लिए कह सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो 2019 में ही चरखी दादरी के प्रत्याशी रहे सतपाल सांगवान भी कहीं ना कहीं कल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, तो एक झटका ये है। हालांकि चुनाव लड़ने के बाद सतपाल सांगवान जननायक जनता पार्टी में ज्यादा सक्रिय नहीं रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी से 2019 का चुनाव उन्होंने लड़ा था, तो कहीं ना कहीं एक झटका ये भी उनके लिए माना जा रहा है। पार्टी को बहुत विचार करने की जरूरत है रवि, जो कुछ भी पार्टी में हो रहा है। बिल्कुल सृष्टि, देखिए कहीं ना कहीं पार्टी तमाम पहलुओं पर विचार करने वाली है, और इसको लेकर कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी की एक बैठक भी होने वाली है, जिसमें तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। किस प्रकार से 2024 का जो लोकसभा चुनाव है ये लड़ा जाए, और जिस प्रकार से तमाम साथी जननायक जनता पार्टी के पार्टी छोड़ रहे हैं, तो उनको किस प्रकार से समझाया जाए, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जल्द ही एक बैठक जननायक जनता पार्टी कर सकती है। चुनाव लड़ने पर विचार करने से ज्यादा तो यहाँ पर ये विचार करने की जरूरत है कि पार्टी में ये जो इस्तीफों का दौर जारी है उसको किस तरीके से रोका जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।